तो आज हम करेंगे रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एडी में और यहाँ बना लेते हैं यूज़र। तो एक यूज़र बना लेते हैं जो वीपीएन एक्सेस करेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी यूज़र बना लेते हैं। ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है। चलो मैं वीपीएन यूज़र बना रहा हूँ, वीपीएन यूज़र, ठीक है। अब बनाना है एक ग्रुप। VPN यूजर्स ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल बना लो इसे, और जो हमने VPN यूजर बनाया था इसे इस ग्रुप में डाल दो। ऐड टू ग्रुप VPN VPN यूजर्स ग्रुप। ठीक है, और इस यूजर को डायल इन में जाके कंट्रोल थ्रू NPS, ठीक है, ये राइट दे देंगे इसे। अब हम जाएंगे अपने रेडियस सर्वर पे। इसे हम बना रहे रेडियस सर्वर। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे NPS। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। तो इसमें देखो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आपको लेना है यहाँ से नेटवर्क पॉलिसी सर्वर लेना, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे हम पॉलिसी बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेडियस सर्वर फॉर डायल अप और VPN कनेक्शन, क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर VPN। यहाँ पे चूज करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, रेडियस क्लाइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। अब रेडियस क्लाइंट हो गया ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे बना रखा था VPN सर्वर, तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिस्टम नेम क्या है। DC01 है, तो यहाँ इसका फ्रेंडली नेम लिखेंगे DC01, और यहाँ पे ऐड IP एड्रेस इसका सेट कर देंगे। कितना था, 10 था ना। देख लेते हैं IP कितना है इसका।
ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद शेयर सीक्रेट में यहाँ पे आप डाल दीजिए, ऑथेंटिकेशन मेथड वही एम एस एफ वी टू लेंगे हम, यूजर ग्रुप वीपीएन यूजर्स ग्रुप, फिल्टरिंग कोई नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉलिसी बन जाएगी हमारे पास, रेडियस क्लाइंट ऐड हो गया, पॉलिसीज ये देखो, ये वीपीएन पॉलिसी बन गई। इधर बन जाएगी नेटवर्क पॉलिसी एक्सेस करने के लिए, और अब अकाउंटिंग सेटअप करेंगे। लॉग इन टू टैक्स फाइल, लॉग फाइल्स के अंदर ठीक है, इसका आईपी देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम जब वीपीएन सेटअप करेंगे यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज में जाएंगे, एक बार मैं इसको हटा के दोबारा बनाऊंगा। यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम लेंगे वीपीएन एक्सेस, के अंदर देखो हमारे पास सिक्योरिटी ऑप्शन है, ऑथेंटिकेशन होगा रेडियस ऑथेंटिकेशन से, अब यहां पे रेडियस सर्वर का आईपी डाल देंगे, 21 था ना, अकाउंटिंग में रेडियस अकाउंटिंग यूज करेंगे।
पासवर्ड डाल के सेटअप कर देंगे इसे। अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बना लेंगे स्टैटिक पूल। से ले लेते हैं 1.80 तक। सर्विस को रिस्टार्ट कर दो। वीपीएन क्लाइंट सेटअप करेंगे यहाँ पे। पीपीटीपी ले लेंगे। यूजर नेम क्या था हमारा? वीपीएन यूजर ना। सेव कर देंगे। उसको कनेक्ट, इस बार देखो कनेक्ट हो गया। IP उठाया इसने। इस बार ये जो चल रहा है ये रेडियस के थ्रू चल रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो जो सेटिंग की थी वो रेडियस ऑथेंटिकेशन दिया था हमने। यहाँ पे देखो अभी जो चल रहा है वो रेडियस ऑथेंटिकेशन चल रहा है, अकाउंटिंग भी रेडियस चल रही है, सारा कुछ सेटअप किया है हमने। यहाँ पे 51 IP उठा रहा है। यहाँ पे स्टैटिक पूल डाल दिया था हमने। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये देखो यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट हो गया। अब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉग बन जाएगा हमारे पास। एक बार मैं इसे डिसकनेक्ट कर रहा हूँ और फिर से कनेक्ट करूँगा। देखो अब इसकी स्पीड देखना आप, ये उससे ज़्यादा स्पीड है इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है वो रेडियस के थ्रू हो रहा है। डिटेल में जब देखोगे आप तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखो PPTP आप यूज़ कर, इस तरह से आप L2TP भी यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करके। ये IP एड्रेस जो है
क्लाइंट का है, ये सर्वर का है, ठीक है। अब लॉग देखते हैं इसके, पीडीएस सर्वर के अंदर आते हैं और लॉग देखेंगे। काउंटिंग के अंदर जो है इस पाथ पे हमारे लॉग है, लॉग फाइल यहाँ पे है, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ब्राउजर पे डाल देते हैं इसको। तो देखो एक फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आई है, इसकी लॉग फाइल है। जो भी इवेंट होगा वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो इसका नाम आ रहा है वेब सर्वर 01, ठीक है। और इसमें देखो जो लास्ट हमने कनेक्ट किया था VPN यूज़र, देखो आ रहा है यहाँ पे VPN यूज़र ने लास्ट कनेक्ट किया था। देखो इसकी फाइल थोड़ी बड़ी होती है ना, तो ये फैल गई है पूरे उसमें। देखो यहाँ पे डेट, ये टाइम आ रहा है, देखो कितने बज के कितने मिनट पे ये कनेक्ट हुआ था। ये देखो 12/2/2018 आ रहा है, टाइम आ रहा है इसमें, ठीक है। ये देखो सारे दिखा रहा है MPP इनक्रिप्शन पॉलिसी, ये पूरा लॉग बना है इसका। आए ना लॉग, जैसे ही कनेक्ट होता है वैसे ही लॉग आ जाता है इसके अंदर बन के। तो इसके अंदर लॉग वगैरह बनते रहते हैं इसके पूरा। अगर सही से लॉग देखना है तो उसके लिए SQL सर्वर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसमें जो लॉग है ना पूरा ऐसा फैल जाता है, ये उसको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो यही है हमारा रेडियस सर्वर और रेडियस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये PPTP पे चल रहा है अभी, चाहो तो आप इसे चेंज कर सकते हो L2TP पे, यहाँ से इसको बदल लो। तो
पासवर्ड कुछ और डाल दो। इसमें प्री शेयर्ड की डाल दी मैंने। ठीक है, LTTP पे चल गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ करना चाहते हो। लॉग देख सकते हो इसके, और आगे लोग इसका ये लास्ट में इसके लिए बना। ठीक है, तो यही आपका था रेडियस सर्वर।